अब देखो ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ फोर लाई बिटवीन 10 and 250। ये देखो यहाँ एक गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको कि फर्स्ट टर्म यहाँ 10 दी है और लास्ट टर्म 250 दी है, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो नंबर 10 से लेकर 250 के बीच में ऐसे नंबर होने चाहिए जो कि 4 से डिविजिबल, 4 के मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। सो पहला मल्टीपल कौन सा है 10 के आगे का, 10 और 250 में से पहला तो आएगा 12, उसके बाद कौन सा है 16 है, एंड सो ऑन। अभी लास्ट नंबर निकालना है, अगर आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा 248 आता है। ओके, हाउ मेनी पूछा है, तो हमें निकालना है n, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने यही पूछा है कि इसमें कितनी टर्म्स है, है ना। कोई बात नहीं, a की वैल्यू यहाँ पर उन्होंने दी है 12। ये देखो आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है, हमें क्या आसान नहीं है, ये सीरीज निकालना है ना। ओके, a इज इक्वल टू 12, b नहीं है सॉरी, d, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4 आएगा, और लास्ट टर्म जो है वो है 248, मतलब n निकालना है और tn का फॉर्मूला हमें मालूम है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 4, लास्ट टर्म है 248 इक्वल्स टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ये आएगा 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, इसका आंसर आ गया 236। ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये हो जाएगा डिवाइड इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको हम क्या कर लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 20 3 आ गए, 4 9 36, मतलब 59 इज इक्वल टू n माइनस 1, है ना। सो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 60, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में जितने भी नंबर्स है जिनको आप 4 से मतलब 4 के मल्टीपल है वो कितने नंबर्स है 60 नंबर्स है। अभी नेक्स्ट देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू APs आर इक्वल, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n बोला है उन्होंने, हमें निकालना है n की ऐसी वैल्यू जिनमें ये दोनों जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है ना उनमें क्या है वो सेम है, AP1 AP2 3 10 17, राइट, मतलब tn सेम है, कोई बात नहीं, पहले का हम tn निकाल लेंगे, है ना। यहाँ a की वैल्यू दी गई है 63, डिफरेंस है 65 माइनस 63, मतलब 2 है, और tn कितना आएगा अभी यहाँ पर, a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। उसी तरीके से nth टर्म जो है वो सेम है, मतलब tn जो है वो सिमिलर है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो आप tn1 ये tn2, और कंडीशन दी है tn1 इज इक्वल टू tn2, तो इंडिविजुअली आप क्या करो tn1 निकालो और दूसरी सीरीज के लिए tn2 निकालो। tn2 कितना आएगा यहाँ पर, a 3 है और डिफरेंस जो है वो है 10 माइनस 3 मतलब 7, 3 प्लस n माइनस इंटू 7। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन tn1 इज इक्वल टू tn2,
tn 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, राइट? ये देखो 63 प्लस 2n, मल्टीप्लाई करो अभी 2 से इस पूरे ब्रैकेट को, 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आएगा 63 प्लस, ये देखो 63 माइनस 2 कितना आएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 3 माइनस 7 आएगा माइनस 4 प्लस 7n। क्या करोगे अभी आप, 4 को लेके आओ LHS में और 2 को लेके जाओ RHS में, 61 प्लस 4 इक्वल टू 7n माइनस 2n, 65 इज इक्वल टू 5n, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 65 बाय 5, 5 इज 5, 5 3 इज 15, मतलब n की वैल्यू कितनी है 13, मतलब 13 टर्म जो है दोनों की कैसी आएगी, सेम आएगी। अब ये वाला देखो 6, डिटरमाइन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज, मतलब T3 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ऐसे हमने पहले भी एग्जांपल देखा था। 17th टर्म इज, मतलब T17 इज इक्वल टू एक्सीड्स, मतलब बड़ा है 5th टर्म से, मतलब T5 कितने में 12 से बड़ा है, समझ में आया? और हमारे पास दिया है, बस उन्होंने T3 की वैल्यू दी है, कोई बात नहीं, पहले T3 इज इक्वल टू 16 दिया है, मतलब T3 कैसे लिखते हो आप, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 16, है ना, मतलब A प्लस 2D, इसकी वैल्यू हमें मिल गई है 16, बाकी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर देखेंगे क्या इसका यूज होता है। T17 कितना आएगा, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, राइट? अभी इसको सॉल्व करेंगे हम, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। देखो यहाँ पर A हो गया कैंसिल, 4 को LHS में ले आओ, 16D माइनस 4D इक्वल्स टू 12, 16 माइनस 4 मतलब ये आएगा 12D इज इक्वल टू 12, 12 कैंसिल, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया 1। अभी आप निकालो A की वैल्यू, A की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 बोलोगे, पुट D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 16, A इज इक्वल टू 16, ये 2 जाएगा RHS में और 16 माइनस 2 आएगा 14। अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं, कैसे, क्योंकि हमारे पास A भी है और D भी है। पहली टर्म क्या होती है, A होती है, राइट? उसके बाद क्या होता है, कॉमन डिफरेंस ऐड करना होता है उसमें A प्लस D, ऐसे ही एंड सो ऑन। पहले लिखेंगे A, आगे की टर्म क्या होगी, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है, सो आगे की टर्म होगी 15, क्योंकि 15 माइनस 1 14 आएगा, आगे की टर्म होगी 16 17 एंड सो ऑन। ये हो गया आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, है ना? देखो अभी कुछ कुछ आपके सामने नए फॉर्मूलाज आएंगे, तो आपको क्या करना है, हर जो नया फॉर्मूला आपको मिला है उसको याद रखना है।
सारे फॉर्मूले अगर मैं एक साथ आपको बता दूंगी तो आपके दिमाग में हो जाएगी खिचड़ी, कहाँ क्या अप्लाई करना है कुछ भी नहीं पता चलेगा। सो जैसे जैसे अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे उस तरीके के फॉर्मूलाज हम उसी वक्त देखेंगे। चलो अभी एपी क्या दी है उन्होंने, 3, 8, 13 अप टू दिया है 253। अब आप बोलोगे कि 20 तक तो निकालनी है, हाँ फ्रॉम फर्स्ट नहीं निकालनी, फ्रॉम लास्ट से लेके, मतलब ये जो भी टर्म है n-1, n-1, -1, -2 है ना, फ्रॉम लास्ट निकालना है। तो हमें बेसिकली निकालना है, उसका फॉर्मूला है l-n-1, ठीक है, ये हमें निकालना है, ठीक है। सो हमें ये नहीं निकालना, d रह गया, ठीक है। यहाँ जो है l मतलब लास्ट टर्म है, यहाँ 253, हमारे पास a है 3 और d है 5, ठीक है। सो n मतलब क्या होगा कि मतलब कौन सी टर्म निकालनी है आपको, 20th निकालनी है फ्रॉम लास्ट। l-20-1 × d यही निकालना है आपको, और l की वैल्यू तो हमें पता है 253-19 × 5। सो इसका आंसर क्या आएगा, 253, ये आएगा 95, ये आएगा 158। तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट आएगी 158। अब ये देखो 18th वाला, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। फाइंड फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, कोई बात नहीं, एपी निकालने के लिए बेसिकली हमें फाइंड करना ही करना पड़ता है ए और डी, ये मालूम हो जाए ना तो कितनी भी लंबी हम एपी निकाल सकते हैं। उन्होंने हमें कुछ तो दिया है, दो इक्वेशंस दिए हैं, उसको हम लिखेंगे सम। पहले तो एडिशन किसका करना है, फोर्थ टर्म एंड एट्थ टर्म इज इक्वल टू 24, राइट, और सिक्स्थ टर्म एंड टेंथ टर्म, इसका एडिशन है 44। इससे क्या कर सकते हो आप, इससे निकाल सकते हो ए और डी की वैल्यू, बस T4 की वैल्यू रखो। अभी क्या आता है इसका फॉर्मूला, ये पहला इक्वेशन हम लिखेंगे, T4 मतलब A प्लस 4-1 × d प्लस A 8-1 × d इक्वल टू 24। इसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करो, A प्लस A 2A प्लस 3D प्लस 7D इज इक्वल टू 24, 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन अगर निकाला तो ये आएगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। 2 को इस 24 से डिवाइड करो, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, T6 प्लस T10 इक्वल टू 44, राइट। अभी T6 निकालो, A प्लस 6-1 × d प्लस A प्लस 10-1 × d इक्वल्स टू 44, A प्लस 5D, A प्लस 9D इक्वल्स टू 44, A प्लस A 2A, 9 + 5 = 14D इक्वल्स टू 44। यहाँ से भी 2 कॉमन निकलता है, A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। 2 को क्या करो, 44 को डिवाइड करो 2 से, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये आ गया आपके पास सेकेंड इक्वेशन। आगे क्या करोगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, A प्लस 5D
इक्वल्स टू 12, ये एक इक्वेशन है, और a प्लस 7d इक्वल टू 22 दूसरा है। क्या करोगे, पहले तो करोगे आप सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करो, कैंसिल, 5 माइनस 7 माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, मतलब d की वैल्यू हमें मिल गई 5। किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुट इन 1 कर दो अभी, a प्लस 5d इक्वल टू 12 है, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, सो a की वैल्यू कितनी आएगी, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, सो a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 30 हो गया, सिंपल है अभी। तो फर्स्ट टर्म होती है a, दूसरी होती है a प्लस d, तीसरी टर्म होती है a प्लस 2d, हो गया, हमें 3 ही टर्म्स निकालनी है। तो क्या करोगे, a मतलब है माइनस 13, माइनस 13 प्लस 5, माइनस 13 प्लस 5 प्लस 5, सिंपल है, माइनस 13, माइनस 8, माइनस 3, ये है आपकी एपी की टर्म्स।